जी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली मूल अधिकार के बारे में जिक्र करेंगे, जो उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर परीक्षा में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, जो कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते शुरुआत करते हैं, हम करते हैं और पहले जानने के प्रयास करेंगे मूल अधिकार क्या होता है। तो वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। और प्रत्येक देश के लिए लिखित या अलिखित जो है संविधान नागरिक के मूल अधिकारों को मान्यता जो है देता है। तो इस तरह से हमने जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जिक्र करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य, सेकंड अल्टरनेटिव की बात करेंगे राजकीय निदेशक जो है सिद्धांत, और तीसरे अल्टरनेटिव की बात करेंगे मौलिक अधिकार, और चौथे की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो मौलिक अधिकार क्या है। यहाँ पर अल्टरनेटिव आपका वाद योग्य जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अल्टरनेटिव की बात करेंगे 112 से 115 दिया गया है। सेकंड अल्टरनेटिव अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है कि 12 से 35, और आगे अल्टरनेटिव तीसरे की बात करेंगे तो आपका इस तरह से, और चौथा अल्टरनेटिव दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले फोर नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के स्पेस किस भाग में है। तो भाग की अगर बात होगी तो अल्टरनेटिव में पहला दिया है फर्स्ट, दूसरे अल्टरनेटिव की बात करें भाग दो दिया है, तीन, चार, इस तरह से दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे भाग तीन जो दिया गया है दोस्तों वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का जो रिलेशन है भारतीय संविधान में वो भाग तीन में दिया गया है। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से फोर नंबर के क्वेश्चन हमने जिक्र किया, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर फाइव नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। तो अमेरिकी दिया गया है, यूके सेकंड अल्टरनेटिव, थर्ड की बात करें सोवियत संघ, डी अल्टरनेटिव इनमें से कोई नहीं। आपको बताना चाहेंगे जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो बात यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो 6 जो है मौलिक अधिकार प्रेजेंट में है। अगर इस पहले की हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया है कि प्रारंभिक में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो 6, 7, 4, 5 इस तरह से अल्टरनेटिव दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग की बात करेंगे प्रारंभिक तो मौलिक अधिकार 7 थे, और अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो 6 आपका मौलिक अधिकार है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग थर्ड तीसरे में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, यहाँ पर अल्टरनेटिव फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करेंगे तो राइट नहीं होगा दोस्तों। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग तीन में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद इनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती। आपका जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया दोस्तों वो वही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो सही उत्तर इंगित कीजिए। यहाँ पर दिया गया संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई जो है राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में संदर्भित करती है, मतलब किसके ओर इंगित करती है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं संविधान के केवल भाग तीन, संविधान के केवल भाग तीन और चार। आपको बताना चाहेंगे कि बी अल्टरनेटिव भी प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन संविधान के जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है।
तो आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर अल्टरनेटिव डी दिया गया है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिया है, भारतीय जीवन बीमा निगम और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सम्मिलित नहीं है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। सम्मिलित की बात करेंगे तो आपका तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड सही होगा, लेकिन प्रश्न में इसमें बोला कि सम्मिलित नहीं है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार दिया है, पटना विश्वविद्यालय दिया गया है, एक भगवान की मूर्ति जो दिया गया है उसे सम्मिलित आप नहीं कर सकते, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर सम्मिलित की अगर बात करेंगे तो केंद्र सरकार भी आपका राइट आंसर होगा, राज्य सरकार भी, पटना विश्वविद्यालय भी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है कि कानून के समक्ष समानता और सामाजिक समानता और अवसर की समानता और आर्थिक समानता। आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, यहाँ पर दिया गया है वंश, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद 19, 25 और 15, 23 दिया गया है। जो राइट आंसर होगा 19 नहीं बल्कि अनुच्छेद 15 आपका राइट आंसर होगा। अल्टरनेटिव सी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि अनुच्छेद 15 फर्स्ट निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर अल्टरनेटिव मूल धर्म दिया गया है, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, इस तरह से फोर अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो राइट आंसर होगा आपका डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म, यहाँ पर जन्म स्थान या इनमें से कोई भी, तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।